नमस्कार, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल प्रवीण बेस्ट व्लॉग्स में। और आज तारीख है 30 दिसंबर और जो कि कल 31 दिसंबर है और न्यू ईयर का दिन है। तो आप लोगों के साथ मैं बहुत ही एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करना चाहता हूँ। तो आप में से जो भी अभी इस वक्त नैनीताल आने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो जो कि टू व्हीलर्स वाहनों के लिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 30 तारीख की शाम से, यानी कि आज के दिन की शाम से और 1 जनवरी की शाम तक, जो कि शहर में दो पहिया वाहन हैं वो पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगे। और आप लोग, जैसे कि नैनीताल सिटी हमारा ओवरक्राउडेड हो जाता है मान लीजिए, या बहुत ट्रैफिक रहता है हल्द्वानी से, तो जो कि रूसी बाईपास से गाड़ी जो कि है आपका वो डाइवर्जन हो सकता है और कालाढूंगी मार्ग से आपको नैनीताल शहर में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। और उसके बाद आप देखेंगे अगर शहर में ओवरक्राउडेड होता है तो फोर व्हीलर भी आपका हो सकता है कि रूसी बाईपास की जो नंबर 1 और नंबर 2 या जो कि पार्किंग्स हैं तो उसमें आपकी गाड़ी पार्क करी जाएगी। और जो भी अगर दो पहिया वाहन वहीं तक आएंगे और उसके बाद से वहाँ से शटल सेवा से आपको नैनीताल जो कि शहर है यहाँ प्रवेश की अनुमति मिल पाएगी। और कुछ ऐसा है जो कि इन्फॉर्मेशन है और ये नैनीताल पुलिस की तरफ से जो कि ये इन्फॉर्मेशन है। तो और दूसरी बात जो कि शहर में आप लोग थोड़ी स्वच्छता का भी ध्यान रखिएगा और ये भी ध्यान रखिएगा कि आप लोग शराब पी के वाहन ना चलाएं और एकदम सेफ रहें। और ऐसा कुछ है और आप बाकी मौसम देख सकते हैं नैनीताल का और काफ़ी ही अभी अच्छा मौसम है। तो अब ये देख सकते हैं जो कि बादल भी छाए हैं नैनीताल में, हल्की फुल्की धूप भी आ रही है अभी। तो ऐसा कुछ है, तो ऑलरेडी जो कि ये वीकेंड है और आपकी बारा जो न्यू ईयर है वो वीकेंड में है, तो ऑलरेडी जो कि शहर है ऑलमोस्ट फुल है जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। और ऐसा कुछ है, तो यही थी मेन जो कि इन्फॉर्मेशन मुझे आपको आज साझा करनी थी। तो अभी मैं हूँ मॉल रोड में और मैं जा रहा हूँ तलीताल की तरफ और मेरा कुछ अपना पर्सनल काम है, कुछ पोस्टर प्रिंटिंग के लिए दिया था तो उसको वहाँ से रिसीव करना है। तो ऐसा कुछ है और आज का दिन का मेरा भी शेड्यूल बिज़ी है और कल का भी शेड्यूल बिज़ी है, तो प्रयास यही करूँगा कि आपके लिए ब्लॉग लेके आऊँ और जहाँ भी मैं जाऊँ तो कोशिश करूँगा। तो चलिए और मिलूँगा मेरे नए वीडियो में और ऐसे ही देखते रहिए मेरे वीडियोस। तो आइए, उससे पहले मैं आपको जो कि है नैनीताल जो कि लेक है और इसका मैं आपको व्यू दिखाऊँगा। और मैं हूँ अभी ग्रैंड होटल के नीचे और यहाँ से काफ़ी ही शानदार जो कि है नैनीताल लेक का व्यू है। तो आइए, समाप्ति से पहले मैं आपको जो है नैनीताल जो कि लेक है इसका व्यू दिखाता हूँ। और मैंने रिसेंटली ये सुना था जो कि मेडिटेशन में पानी को देखना बहुत ही एकदम मन को शांत करता है और ऐसा कुछ है। तो आप भी आइए कभी और आपका कोई पानी का प्लेस है आसपास तो आप वहाँ कुछ समय मेडिटेशन भी कर सकते हैं, तो जो कि इससे है मन में शांति बनी रहती है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसे बने रहिए। तो इस वक्त का कुछ ऐसा है मौसम, सुबह का अभी 12 बजे के आसपास का समय हुआ है तो आप देख सकते हैं थोड़े छोटे मोटे बादल छाए हुए हैं, मगर जो कि वेदर डिपार्टमेंट की फोरकास्ट है वो अभी क्लीन वेदर है। ये बस ये कुछ ही दिन के लिए, 3-4 दिन के लिए जो कि मौसम ख़राब है या बारिश हो सकती है। कल भी हल्की फुल्की बारिश हुई थी नैनीताल में, तो ये ऐसा कुछ मौसम है अभी यहाँ पर। तो आप ये देख सकते हैं, तो ये अभी इस वक्त कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। और जो कि स्नोफॉल की प्रेडिक्शन है वो जो कि है जनवरी लास्ट में या मिडिल जनवरी में, बट ऐसा तो कह नहीं सकते हैं कि कब स्नोफॉल हो जाएगा या कुछ जो भी है, तो लेकिन आप देख सकते हैं और अभी कुछ ऐसा वेदर बना हुआ है और ये स्नोफॉल का ही जो कि आभास है, मतलब जो कि वेदर है। तो ऐसा कुछ है, तो ये मॉल रोड में हूँ मैं अभी। तो आइए अभी का वीडियो करते हैं समाप्त और आप भी अपने दिन भर के ज़रूरी काम निपटा लीजिए और मैं भी अपने कुछ ज़रूरी काम निपटाता हूँ। और चलिए मिलूँगा मेरे नए वीडियो में और ऐसे ही देखते रहिए मेरे वीडियोस। और चलिए अपना ध्यान रखिए,
एंड अगेन आई विश यू अ वेरी हैप्पी प्रॉस्पेरस न्यू ईयर एंड टू यू ऑल। एंड चलिए वेलकम करेंगे साथ में ही 2023 का, तो चलिए मिलता हूँ बहुत जल्द, और ऐसे ही बने रहिए। बाय बाय।